उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को 15 चोरी की बाइकों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी अलग अलग राज्यों में पहुंचकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे देते थे। मामला जनपद मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र का है। कोतवाली बिलारी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की 15 बाइक और कुछ बाइकों के पार्ट समेत 4 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए हैं। कोतवाली पुलिस ने शाहबाद रोड पर हरोड़ा तिराहे पर चेकिंग के दौरान लाल रंग की एक स्विफ्ट कार को रोका, जिसमें एक बाइक रखी हुई थी। कार चालक से पूछताछ करने के दौरान कड़ी दर कड़ी घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया। पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों से 15 मोटरसाइकिलें और कई कटी हुई मोटरसाइकिल के पुर्जे बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में सलीम भाग बैग, मोहम्मद जुनेद और गुलाम मोहम्मद बताए गए हैं। आज पुलिस लाइन में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने बताया है कि इस मामले में 2 बदमाश फरार हैं। इनमें गैंग सरगना नदीम और दूसरा संतोष है। सर, कितनी गाड़ियां प्राप्त हुई थी? क्या मामला? थाना बिलारी पुलिस ने एक अंतर जनपदी गिरोह जो वाहन चोरी और नकबजनी दो प्रकार की घटनाएं कारित करता है, उसके 4 मेंबर्स को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पूछताछ कर इनके कब्जे से 14 मोटरसाइकिलें, 1 स्कूटी और 1 स्विफ्ट डिजायर कार जो विभिन्न प्रकार की चोरी की घटनाओं से संबंधित हैं वो बरामद की गई हैं। इनके द्वारा जनपद संभल, रामपुर, बरेली में मुख्य रूप से अपराध कारित किए जाते हैं। मुरादाबाद जनपद के अलावा वर्ष 2014 से ये गैंग सक्रिय है। कई बार ये जनपद बरेली व रामपुर से पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। अपराध करने का इन्होंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया थोड़ा सा। वाहन चोरी करने के बाद या नकबजनी की जब घटना करते हैं और इनके पास जो माल होता है पहले ले जाकर शाहबाद कस्बे के पास एक गन्ने के खेत हैं जहां पर सीरीज से कई हेक्टेयर गन्ने की खेती है, वहां बीच में इन्होंने गन्ने को काट कर एक स्थान बनाया हुआ है। वहां पर ये माल का डिस्पोजल 2-4 दिनों के लिए वहां पर रखते हैं सुरक्षित रूप से। उसके बाद ये ठिकानों का पता करके कबाड़ी इत्यादि को मुक्त चुराए गए मालों को बेचने का काम करते हैं। कितने लोगों का गिरोह है, कितने काम का करते हैं? इस गिरोह में कुल लगभग 9 लोग शामिल हैं, जिसमें कबाड़ी भी है, वाहन चुराने वाले, नकबजनी करने वाले, ये सारे सम्मिलित हैं। समय समय पर इनकी संख्या विभिन्न अपराधों में परिवर्तित होती रहती है। इस गिरोह का जो सरगना है वो नदीम है, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, फरार चल रहा है, गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। ये गाड़ी के पेपर भी बना के बेचते थे क्या, ऐसे बिना गाड़ी के? गाड़ी के पेपर्स ये नहीं बनाते हैं, गाड़ी को ये प्रायः कबाड़ी को देते हैं। कबाड़ी के पास नंबर 1 की गाड़ियों के पेपर्स होते हैं, वो कबाड़ी उन गाड़ियों को इंजन नंबर इधर से दूसरी गाड़ियों में बदल दिया और उसके बाद वो कबाड़ी आगे को बेचने का काम करता है। सर, इनके पास से क्या क्या प्राप्त किया है? जैसा कि मैंने बताया, इनके पास से कुल 14 मोटरसाइकिलें, 1 स्कूटी मोबाइल गाड़ी और 1 स्विफ्ट कार बरामद की गई है। नकदी भी है और इसके अतिरिक्त नकबजनी की घटनाओं से संबंधित जो थाना भोजपुर बिलारी से संबंधित है वो उनके संबंधित माल भी बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा नकबजनी बड़े ही सातिर अंदाज में की जाती है। बरेली जनपद में शहर के बाहर बारादरी थाने के अंतर्गत एक फ्लाईओवर है, उसके पास में एक बस्ती है, वहाँ विशेष रूप से ये अपना ताला तोड़ने का औजार तैयार कराते हैं और उसकी मदद से बड़े ही आसानी से ताले को ये तोड़ देते हैं। प्रायः ये लोग ऐसे स्थानों को निशाना बनाते हैं जहाँ पर घर थोड़ा सा खुला हो या दुकान हो।